इससे पहले हम ये जंग सिर्फ तुम्हारे लिए लड़े थे, अब ये हम सबकी जंग है। Be brave. कोई भी वकील आपके बेटे का केस नहीं लेगा। वही तो होगा जो ये केस लड़े। सारी जिंदगी अंदर सड़ेगा। कोई भी तुम्हारी माँ के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। तुम बताओ मैं क्या करूँ? आप बनेंगी मेरी वकील। कोई और क्यों मां? आप क्यों ले? आप किस मकसद से यहाँ आए हैं? गुड क्वेश्चन। आप अपने बेटे को समझाएं कि वो इस केस से दूर रहे। अंदर तो वो है ही, ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी जेल में ही चक्की पीसता रहे। अकलौता बेटा है ना आपका, समझाती क्यों नहीं उसे? कैसे निकालूं तुम्हें यहाँ से बाहर? कोई तो होगा जो ये केस लड़ेगा। कोई और क्यों मां? आप क्यों ले? Assalamualaikum viewers, drama serial Zulm के next episode में आप देखने वाले हैं पेशावेश का केस लड़ने के लिए कोई भी लॉयर तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो सारे मलिक इलाज के डर से उसके खिलाफ केस नहीं कर पाएंगे। इस तरह शावेश की वालदा बेबस होकर शावेश के पास पहुंच जाएगी और उससे कहेगी कि तुम्हारा केस लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं। शावेश अपनी वालदा को हिम्मत देगा कि आपको किसी और की मिन्नत करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद भी एक लॉयर है, आप मुझे कैसे दूसरों के सहारे पर छोड़ सकती है, आप खुद मेरा केस लड़े। जब शावेश की वालदा ये बात सुनेगी तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाएगी। व्यूअर्स, इस तरह शावेश की वालदा शावेश का केस लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी और वो शावेश के केस पे कार्रवाई शुरू कर देगी। केस के लिए मुख्तलिफ लोगों से पूछताछ के दौरान शावेश की वालदा को इस बात का पता चल जाएगा कि ईशा की वालदा के मौत वाले दिन ईशा की कामवाली को उनके घर से निकलने के बाद मलिक अजलाल के लोगों के साथ देखा गया था और वो उन्हें कुछ रकम दे रहे थे। शावेश की वालदा जब उस गवाह को कोर्ट में पेश करने के बारे में कहेगी तो वो मलिक अजलाल के डर की वजह से कोर्ट जाने से इनकार कर देगा। व्यूअर्स, क्या शावेश की वालदा अपने बेटे को रिहा करने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट में अपनी राय कैसा जरूर कीजिएगा।